वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल क्वेश्चन पेपर। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मतलब DAE, जिसका अंदर आता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, NPCIL, NFC, HWB, IGCER, VECC, NFC, इसके बाद UCIL, ECIL, इन सभी डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE का अंदर। तो इसमें फर्स्ट स्टेज में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, तो इसमें आप लोगों का मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल और एडवांस एग्जामिनेशन स्पेशल में अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ अपना चैनल में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 31 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें से आप लोगों को बहुत सारा एग्जामिनेशन के जैसे BARC, NFC, इसके बाद NPCIL, HWB, इन सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं 32 नंबर का क्लास इसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें आप लोग को साइंस का न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम आप लोग को क्या होता है, जो भी स्टूडेंट इस बार BARC में एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट को मैं बोला हूँ कि BARC का NRB का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जाम टफ होता है बाकी एग्जाम का तुलना से। इसीलिए आज मैं न्यूमेरिकल का क्लास लूँगा, नेक्स्ट डे भी न्यूमेरिकल का मैं क्लास प्रोवाइड करूँगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाला, बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत दिन से, सर आप क्लास लेना बंद कर दिए हैं, जस्ट आप अपडेट देते हैं। तो क्लास तो लेना मैं स्टार्ट कर दे हूँ, रेगुलर क्लास मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को देने का, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन ए सर्कुलर पथ व्हाट विल बी द वर्क डन ऑन इट। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, यदि किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर क्या कार्य किया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन क्या होता है। तो कोई भी एक वस्तु है, सोचो तो ये इसका मास है m, ठीक है। तो अगर हम लोग इस साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं, उसका बाद ये वस्तु अगर इस जगह से हट के अगर थोड़ा सा ये सामने आ गया, 10 मीटर आगे आ गया है वस्तु, अब इधर आ गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वस्तु ये जगह से हट के 10 मीटर आगे आ गया है, सेम वस्तु रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क डन। मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम लोग फोर्स देते हैं और वो जो अगर उस जगह से पोजीशन से जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो हम लोग को पता चलता है कि कार्य हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फोर्स अप्लाई करने का बाद जितना डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो होता है उसका वर्क डन, ठीक है। तो इधर से हम लोग फोर्स दे रहे थे, इसीलिए क्या हो रहा है, ये वस्तु 10 मीटर आगे बढ़ रहा है, चाहे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जितना भी आगे बढ़े। अगर वस्तु आगे नहीं बढ़ेगा मतलब हम लोग बोलेंगे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु जो जगह में था वो जगह में है, सिर्फ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वर्क डन करने के लिए, कार्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वस्तु को पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब भी कोई भी एंगल आप लोग को बता देगा तब हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल क्या होता है, सेम टू सेम एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एंगल जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, तब कॉस जीरो हम लोग मानेंगे। कोई भी अगर 60 डिग्री एंगल बोल देगा कि 60 डिग्री एंगल में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका बाद क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब कॉस थीटा का जगह कॉस 60 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो वर्क डन का तो फॉर्मूला आप लोग को पता चल गया, लेकिन इसमें पूछे जा रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसका वर्क डन कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब हम लोग जैसे दूरी तय करते, सोचो इधर से इधर तक आया, फिर इधर से इधर तक आया, फिर इधर से इधर तक, मतलब ये अगर एक्स, ये अगर वाई, ये अगर जेड, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ओके। अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं तो ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, सोचो हम लोग पहले इधर तक गया उसका बाद हम लोग फिर इधर तक आया, ठीक है।
तो डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एक्स होता है ये वाई होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है दो पॉइंट का, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। अगर सोचो, अगर नॉर्मली बात करते हैं, क्यों मैं इतना ज़्यादा समझा रहा हूँ, क्योंकि इस फैक्ट का बारे में आप लोग को अच्छा से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए। बाकी जगह मैं आप लोग को जस्ट एमसीक्यू बता देगा, इतना ज़्यादा फैक्ट आपको नहीं बताएगा। ठीक है, सोचो डिस्टेंस अगर पूछते हैं, पहले इधर गया, फिर 5 मीटर गया सोचो, फिर लौट के इधर आ गया, मतलब क्या टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर गया 5 मीटर आया, टोटल 10 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो पहले अगर 5 मीटर गया फिर 5 मीटर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका, पॉइंट का बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, तो 5 मीटर गया 5 मीटर आ गया, मतलब सेम 5 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, गया फिर उसी में आ गया है, तो दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया है? और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पर होता है। ओके, क्योंकि आप लोग को बता देगा कि ए नॉर्थ डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस गया, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया है? तो ऐसे आप लोगों को केवल एक सर्कुलर पाथ है, उसमें ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो सर्कमफेरेंस है, तो सर्कुलर का या सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वो तो घूम के फिर इधर ही आ रहा है ना, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इधर से घूम के तो फिर इधर ही आ गया, मतलब क्या होता है, तो जहाँ से शुरू किया था उधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोग का जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस हो जाएगा इसका सर्कमफेरेंस जो होता है 2πr। ओके, तो इसमें आपको बोला है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड इन ए सर्कुलर पाथ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका वर्क डन क्या होगा। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, इसमें एंगल का बात नहीं कहा, तो आप लोग कॉस थीटा देना नहीं पड़ेगा। तो सोचो फोर्स अगर एक्स मान लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो आप लोगों का जीरो हो रहा है, क्योंकि सेम टू सेम घूम के सेम पोजिशन में आ रहा है, तो जीरो हो जाएगा, तो एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, इसमें वर्क डन जीरो हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं कोशिश किया हूँ 100% आप लोग को समझाने का। अगर समझ में आ गया है तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप लोग को पक्का समझ में इसमें आ जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, आज का क्लास का जो भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे मैं सीरीज चलाते डी ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन स्पेशल प्लेलिस्ट में बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन का क्लास में ले लूँगा, और अगर यही वीडियो आप लोग देख के जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगा। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो देख के आप लोग एग्जाम देंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हम कितना ज़्यादा डिस्कशन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, क्योंकि डिस्कशन करने में भी टाइम लगता है ना, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, मेरा भी टाइम का शॉर्टेज रहता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज वीक फोर्स, निम्नलिखित में से कौन सा कमजोर बल होता है। तो सबसे पहले फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स या मास या शॉर्ट रेंज फोर्स, तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है। तो आप लोगों को क्या जानना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल फोर फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब चार जो फंडामेंटल फोर्सेस होता है उसमें से सबसे कमजोर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए चार बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे कमजोर होता है, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझ में आ गया, इसमें से भी आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकता। 3 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है आप लोग जानते हैं, ए स्मॉल जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी 6.6734 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसका भी वैल्यू आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं जब एग्जामिनेशन दिया तो इसी से एक क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्टली आंसर नहीं दिखाऊंगा, आप लोग ट्राई करना इसका आंसर क्या हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, स्ट्रेस का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वाट
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, कोई भी एक यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस। सोचो कोई भी एक यूनिट एरिया है, इसमें जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप लोग पी ए मतलब पास्कल बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सिग्मा साइन से हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको स्ट्रेन का यूनिट पूछे जाते हैं तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो तब हो जाएगा नो यूनिट, क्योंकि स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो लेंथ पहले क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ मतलब ऊपर में भी मीटर होगा और नीचे ओरिजिनल लेंथ नीचे में भी मीटर होगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो क्या होगा नो यूनिट, तो स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। अगर यंग्स मॉड्यूल का यूनिट पूछता है तो यंग्स मॉड्यूल का यूनिट क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेम टू सेम स्ट्रेस का, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज यंग्स मॉड्यूल, समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, वेग के परिवर्तन की दौर को क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें आपको बोल रहा है वेग का जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या होता है। सोचो कोई भी एक वस्तु है जिसका मास एम है, ठीक है, तो उसका जो इनिशियल वेग था या इनिशियल वेलोसिटी था जीरो था। उसके बाद धीरे धीरे जब उसका वेग बढ़ा, बढ़ने के बाद कितना सेकेंड में, सोचो 5 सेकेंड में उसका वेग कितना बढ़ गया। उस सेम वस्तु है जिसका मास एम है, उसका वेग हो गया, परिवर्तन होके हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी आप लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला से आप लोग इधर लिख सकते हैं। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज का जो रेट होता है, तो क्या हो जाएगा, तो v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि u मतलब होता है इनिशियल, सबसे पहले वेलोसिटी क्या था 0 मीटर पर सेकेंड, और उसका बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हुआ 5 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम इन सेकेंड। ओके, तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, और नीचे होता है टाइम इन सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है 5 सेकेंड में हुआ है। तो जब 10/5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 का यूनिट क्या हो जाएगा, 2 का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ऊपर में क्या वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकेंड होते हैं, और नीचे में भी और एक सेकेंड है, तो दोनों को अगर करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है ना। तो एक्सीलरेशन के यूनिट भी आप लोगों को पूछे जाते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इधर आप लोगों को पता चल गया एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है। तो टाइम का जो परिवर्तन होता है, टाइम का साथ जो वेग का परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। तो समझ में आ गया ना कौन सा इनिशियल वेलोसिटी होता है, कौन सा फाइनल वेलोसिटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको पूछे जा रहा है इफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के बारे में और एक पॉइंट आप लोग जान लेना, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ओके, और इसका डायमेंशनल अगर फॉर्मूला पूछे जाते हैं तो होता है L(t^-2), क्योंकि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप लोग जानते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं मीटर सेकेंड टू दिवार माइनस टू। ओके, तो डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं MLT होता है, M मतलब होता है मास, L मतलब होता है लेंथ, और T मतलब होता है टाइम। ओके, तो इधर आप लोग देख सकते हैं इसमें इसका यूनिट होता है मीटर, तो मीटर किसका होता है डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो L होता है, इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला में L हो गया, और सेकेंड किसका होता है टाइम का होता है, इसीलिए T^-2 हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकल गया। ओके, तो 6 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है इफ 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन। तो इधर 10
केजी मास वाला एक ऑब्जेक्ट है जिसका ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो उसका एक्सीलरेशन त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना पड़ेगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू क्या दे दिया है, 20 न्यूटन दे दिया है। ओके, मास दे दिया 10 केजी और इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन बटा 10 केजी। ओके, तो इधर हो जाएगा 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं इधर एन एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये जो 20 न्यूटन है इस जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और नीचे अगर 10 केजी आता है, ओके, तो 10 केजी का साथ इसको अगर काटेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट बचा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में, टेक्निकल का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 मीटर डज ए वर्क ऑफ 20 जूल, द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो इसमें आपको पूछे जा रहा है, वर्क डन आपको दे दिया है 20 जूल। वर्क डन मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हम, इसमें बोला है 20 न्यूटन, तो आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के क्या बोला, एम ऑब्जेक्ट सोच लीजिए, इसमें 20 न्यूटन हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं और कितना आगे बढ़ा है, 2 मीटर इसका स्थान परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो 2 मीटर इधर जगह परिवर्तन किया है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 20 इंटू 240 होने का चाहिए था, लेकिन वर्क डन बोला है 20 जूल। ओके, तो क्यों वर्क डन 20 जूल आया है, इसमें आपको एंगल पूछा था, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऐसा कुछ एंगल है जिसका वजह से वर्क डन 20 हो रहा है, वर्क डन कम हो रहा है। ओके, अगर वर्क डन और फोर्स सेम डायरेक्शन में होता तब इसका एक्चुअल वर्क डन होता 40 न्यूटन, 40 जूल वर्क डन होता, लेकिन अभी 20 जूल दिखा रहा है। तो अपनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन का जगह 20 जूल आपको लिखना है और फोर्स 20 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है और कॉस थीटा है। ओके, तो इधर 20 कट जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसका बाद 2 इधर अगर नीचे चला, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस किसका वैल्यू हाफ होता है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इधर आपको क्या पूछा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में कितना एंगल होगा, तब वर्क डन 40 जूल होने का जगह वो 20 जूल होगा। तो एंगल अगर 60 डिग्री होगा तब वर्क डन 20 जूल होगा। तो इसको अगर आप लोग ड्राइंग करते तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ड्राइंग करते तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है, ओके, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सोचिए 2 मीटर, तो इधर आ रहा है, लेकिन हम लोग फोर्स जो दे रहे हैं, तो ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री जब होगा तब इसका वर्क डन 20 जूल होगा, 40 जूल ना होके। समझ में आ गया, बहुत ही सीधा भाषा में आप लोगों को मैं समझाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉय होल्ड 4 केजी स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड, द वर्क डन बाय हिम विल बी इन जूल। एक लड़का है जो 4 किलोग्राम स्कूल बैग को 30 सेकेंड लेके होल्ड करके रखा है, तो उसका द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है जूल में। तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इधर मास 4 किलोग्राम दिया है, एक्सीलरेशन आप लोग 9.8 का जगह 10 पकड़ के चलिए, तो 40 फोर्स हो जाएगा, लेकिन आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन ये क्या इधर आपको पूछे जा रहा है, ये बोला है ये बॉय होल्ड 4 केजी स्कूल बैग फॉर 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के लिए वो स्कूल बैग को होल्ड करके रखा, मतलब वो आगे नहीं ही बढ़ा है और पीछे भी नहीं हटा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ,
ओके फोर्स तो निकल गया 40 न्यूटन, लेकिन वो बैग को होल्ड करके रखा, आगे भी नहीं लेके गया, पीछे भी नहीं लेके आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इधर आपको फोर्स अगर 40 होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जान लेना चाहिए वर्क डन होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जीरो राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहता है, ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेशन, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर डी स्पीड। तो आप लोगों का हिसाब से ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो इधर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज जो होता है उसको कहते हैं वेलोसिटी। समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो इधर कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वेट। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो सोचिए उसका मास अगर एम होता है तो उसमें अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मल्टीपल होता है तो क्या हो जाता है, वो वेट हो जाता है। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू होता मास इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन, ये आप लोग बोल सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेट। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछे जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑब्टेंड बाय ए 20 किलोग्राम हैमर व्हेन इट इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो इसमें आपको पूछे जाएगा कि 20 किलोग्राम हथौड़ा द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा की गणना करें जब उसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच, एम मतलब होता है मास, जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच मतलब होता है हाइट। ठीक है, तो एम का वैल्यू क्या दे दिया, 20 किलोग्राम दे दिया है, हाइट 10 मीटर बोला है, और जी का वैल्यू आप लोग 10 मीटर पर सेकेंड मान के चले, 9.8 आप लोग लेते हैं, तो इधर ऑप्शन के हिसाब से 10 आपको लेना पड़ेगा। तो एम जी एच अगर आप लोग कर देंगे 20 × 10 × 10 तो ये हो जाएगा 2000 जूल। तो एनर्जी का यूनिट ऑलवेज जूल होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्क नोन एज, वर्क को हम लोग कैसे जानते हैं या वर्क डन किसको कहते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स दे रहा है और वो अगर डिस्प्लेस हो रहा है, स्थान परिवर्तन कर रहा है, मतलब हम लोग को पता चले कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है द वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट 56 जूल अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 7 न्यूटन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसमें आपको वर्क डन 56 जूल बोला है और अप्लाइड फोर्स कितना दिया है 7 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। सीधा आपको फॉर्मूला लगा देना, एक ही क्वेश्चन में बार बार घुमा फिरा के दिया हूँ, क्यों, क्योंकि इस टॉपिक में आप लोग का कोई भी दिक्कत नहीं रहना चाहिए, इसीलिए अगला दिन अगला टॉपिक से मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इधर आपको वर्क डन 56 जूल दे दिया है, फोर्स 7 न्यूटन दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 56/7 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 8 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से 8 मीटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछे जा रहा है 10 न्यूटन फोर्स इज वर्किंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को वो 10 न्यूटन फोर्स काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेइंग 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन इज। तो इसमें आपको पूछे जा रहा है कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन में ही हुआ है 5 मीटर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो इजी है, वर्क डन इज इक्वल टू आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है, तो 10 × 5 करेंगे तो 50 क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यूनिट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड कॉल्ड, एकल आवृत्त वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं टोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है ए ड्राइवर ड्राइव्स हिज कार एट कांस्टेंट स्पीड, एक ड्राइवर कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कवर्स 288 मीटर इन 60 सेकेंड फाइंड द स्पीड। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटा
टाइम होता है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। इधर स्पीड निकालने के लिए बोला है, तो टोटल कितना गया, 288 मीटर गया है, कितना सेकेंड में, 60 सेकेंड में। इसको अगर कटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर में मीटर है नीचे सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका यूनिट। 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, इफ़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 200 न्यूटन फाइंड इट्स मास। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट 200 न्यूटन है, उसका मास कितना होगा। जब जी का वैल्यू दे दिया है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें मास कितना हो जाएगा। तो वेट का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, वेट इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो डब्ल्यू का वैल्यू 200 न्यूटन दे दिया है, एम का वैल्यू आप लोगों को निकालना पड़ेगा, और टेन का वैल्यू, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है। तो इधर अगर आप लोग कटेंगे तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू आ जाएगा 20 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू एम जी फॉर्मूला आपको याद रखना, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको पूछा जा रहा है फोर्स बटा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो मैं आपको पहले बताऊँ, फोर्स इज इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जब मास को निकालना है तो फोर्स बटा एक्सीलरेशन हो जाएगा ना, तो अभी क्या हो जाएगा, इधर राइट आंसर हो जाएगा मास, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण के मूल्यों का प्रभावित नहीं करता है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कौन सा इफेक्टेड नहीं होता है, तो मास का भी चेंज नहीं होता, जगह का हिसाब से कोई भी चीज़ का हिसाब से मास ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, इसीलिए पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसका ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं फैलता। 20 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव 1 मीटर डिस्टेंस बाय 1 न्यूटन फोर्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द वर्क डन विल बी। सेम क्वेश्चन है, इधर आपको पूछे जा रहा है एक ही डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स दे रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो इधर वर्क डन इज इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 × 1 हो जाएगा, तो 1 वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन जो आज का क्लास में था। तो हो सके आप लोग को कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सभी चीज़ पता है, फिर भी रिवीजन हो गया है, ऐसा चीज़ नहीं कि एक बार आप लोग कर लिए जान लिए, मतलब इसको रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करने का ज़रूरत होता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है इसको नया कुछ सीखने को मिला, फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।